एक्सरसाइज 1.4 ऑफ क्लास 10। आज हम करेंगे क्वेश्चन एक इसका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। हमें एक परिमेय संख्या दी है, हमें देखना है कि यह है, इसका दशमलव में यदि इसे बदलेंगे तो वह शांत होगा या अशांत होगा। हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि यदि एक परिमेय संख्या p बटा q है और जिसमें जो इसकी हर होगी, जो इसकी हर होगी q, यदि वह 2^m और 5^n के रूप की हो, यानी जब q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी इस प्रकार से, यदि हम नीचे वाली किसी भी परिमेय संख्या में नीचे वाली हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यदि उसमें सिर्फ 2 और 5 ही हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो वह होगी 7.0। अदरवाइज अगर नहीं कुछ और भी होगा, यानी यहाँ पर 3 होगा, 7 होगा, 11 कुछ भी होगा, तो वह बन जाएगी अशांत आवर्ती। बस इस चीज का हम ध्यान रख के इस प्रश्न को करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला भाग है 13/3125। अब इसमें हम 3125 का मैंने पहले से ही अभाज्य गुणनखंड करके निकाला है, 5 के पहाड़े में जाएगा, 625 को 5 से गुना किया 3125, फिर 5 के पहाड़े में 125 को 5 से गुना किया 625, 25 को 5 से गुना किया 125, 5 को 5 से गुना किया 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार से 3125 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है। तो 13 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 3125 को हम लिख सकते हैं, यहां है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 को हमने सीखा था कि ये है 5 की पावर 5, यदि इसके साथ 2 नहीं है, इसका मतलब है 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। तो अब देखो, यह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का हो गया है, इसलिए यह एक 7.0 होगा। हर 5 की पावर 5 m और 2 की पावर n के रूप का है की है, इसलिए यह 7.0 होगा। और यदि यह इस रूप का ना होता, ये m है m ना होता, तो यह अशांत आवर्ती होता। अगला सवाल देखते हैं हम, 64। मैंने कुछ भाग इसके किए हैं, पहले के बाद मैंने तीसरा किया है, बाकी भाग आप खुद से समझिएगा, खुद से अभ्यास कीजिएगा। दूसरा भाग है 64/455। 455 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला तो ये पहले 5 था पीछे, इसलिए मैंने 5 के पहाड़े पे किया, तो हमारे पास आ गया 91। 91 जाता है 7 के पहाड़े में, 13 × 7 = 91, और 13 अपने ही पहाड़े में, 13 एकम 13, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 5 × 7 × 13। इसका मतलब 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि ये 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहां एक तो 2 नहीं है, दूसरा 7 और 13 दो अलग से संख्याएं भी हैं, ठीक है। तो यह हर का मतलब नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या, हर 5 की पावर m 2 की पावर n के रूप की नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है बच्चों, इसका एक भाग हम और कर लेते हैं, भाग नंबर 7।
तो देखो 129 बटा 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 है। हमें अभाज्य गुणन खंडन करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हर जो है इस रूप में हमें दी हुई है। तो देखिए हर का अभाज्य गुणन खंडन 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है जी, थैंक यू।